بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. इसके लिए अब हम जो अपना नई चीज स्टार्ट करने वाले हैं वह प्रिटर डॉट पी एच पी, मतलब कि नई फाइल बना हमने बनाई प्रिटर डॉट पी एच पी, और अब मैं इसके अंदर लिखूंगा अपना पी एच पी का सिंटैक्स। ठीक है, तो इसके अंदर अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने किस तरह ऑपरेटर यूज करने हैं। ऑपरेटर बेसिकली होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, और ये हमारे पास सारे ऑपरेटर होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ। तो अब मैं पहले क्या करता हूँ, इधर मैंने अपना एक बनाता हूँ, क्या कहते हैं नेम वेरिएबल ए, इसको मैं वैल्यू देता हूँ फॉर एग्जांपल 1। ठीक है, और अब मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ बी, और इसको मैं वैल्यू देता हूँ 2, जो है मेरे पास सेव। और अब मैं करता हूँ इनको प्लस माइनस, ठीक है सबको, और ए ए प्लस बी, अगर हम ए प्लस बी करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो डॉट करके मैं इधर दो सेटिंग को आपस में करता हूँ कंकैटिनेट, और इसके लिए मैं ब्रैकेट्स के अंदर लिखूंगा कौन कौन सा फंक्शन मैंने करना है कंकैटिनेट। ए इनको मैं करूँगा ये है मेरे पास असाइनमेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर का, अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आती है। ठीक है, तो दूसरा जो मेरे पास सेटिंग होगी वो मतलब वेरिएबल उसको बी, और अब मैं इनको मतलब कि एक और तीसरी सेटिंग में मतलब ऐड करने लगा, उसके अंदर मैं बी आर टैग यूज करूंगा ताकि नई लाइन पर जाके प्रिंट हो, और अब ये था मेरे पास ये प्रिंट हो गया, और अब मैं इसे करता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, क्योंकि ये चार हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर आती हैं। तो अब मैंने क्योंकि इधर हो गया प्लस, इधर हो गया माइनस, इधर हो गया हमारे पास 8 पे, और अब मैं इधर करूँगा डिवाइड करना, जो डिवाइड के लिए होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्लस, और इधर हमारे पास आ गया माइनस, और इधर मैं करूँगा मल्टीप्लाई, और ये होगा हमारे पास 8 डिवाइड। तो अब इनको लोड करने के लिए मैंने कंट्रोल एस किया, और ये हमारे पास लिस्ट के अंदर आ जाते हैं ऑपरेटर्स। तो अब मैं इसे जाके ऑपरेटर डॉट पी एच पी के फाइल को इधर फेच करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पी एच पी की तरफ चल जाता हूँ, तो इधर मैं रच कर लिया हमारे पास आ गया ये स्लैश ऑपरेटर टी ऑपरेटर डॉट पी एच पी, ये हमारे पास जो एरर दे रहा है ये लाइन नंबर 4 के ऊपर कह रहा है अनएक्सपेक्टेड, ये कह रहा है लाइन नंबर 4 के अंदर बेसिकली वो कह रहा है कि ऑपरेटर इन पी एच पी एच वन टैग। तो वेट अ मिनट, सेंड अनएक्सपेक्टेड टोकन एक्सपेक्टिंग सेंड ऑफ फाइल एंड ऑफ फाइल, तो नहीं ये ऑनलाइन से करते हैं अपना रीलोड फाइल को, और ये हमारे पास ऑपरेटर हैं, और ऑपरेटर्स के अंदर ऑटोमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर आ जाते हैं। ठीक है, तो फॉर मतलब कि जब मैंने वन पर उसकी जो वैल्यूज रखी थी ऑपरेटर ए की 1 और दूसरे की 2, तो जब उससे उसने प्लस किया तो 3 बन गया, माइनस किया तो -1 आ गया, तो जब दिए तो 2 × 1 ये बन गया 2, और इसका जो उसने डिवाइड किया तो ये 0 बन। उसके बाद मॉडल ऑपरेटर भी आ जाता है, उसके लिए इको इसके लिए ए मॉडल्स बी, तो उसके बाद इससे मतलब कि मैंने कंकैटिनेट किया, और ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखता हूँ हमारे पास जो पहली सेटिंग थी वो ए और मॉडल्स और सेटिंग बी। ठीक है, तो अब मैं इसे करता हूँ मतलब कंट्रोल एस, और कंट्रोल एस काट के बाद मैं इसे रीलोड करता हूँ, और ये मॉडल्स आ गया हमारे पास 1। असाइनमेंट के ऑपरेटर के अंदर अब मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जाम्पल एक मैं नया बनाता हूँ वेरिएबल सी। ठीक है, और वेरिएबल सी को मैं इक्वल टू रख देता हूँ वेरिएबल मतलब जो हमारे पास पड़ा हुआ ए। ठीक है, तो मतलब के हमारे पास अब अगर मैं इको करूँ वेरिएबल सी को, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली किसकी आएगी, वो वैल्यू हमारे पास आएगी 1, सी इज इक्वल टू 1 इको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ इधर सी इक्वल टू डॉट लिखूंगा,
कंकैटिनेट कर रहा हूँ, और अब मैं इसे करता हूँ अपने वेबसाइट के ऊपर जाके रीलोड। तो ये एरर दे रहा है एक्सपेक्टिंग एरर 23 के ऊपर, और लाइन नंबर 23 के ऊपर आ गया ये हमारे पास से। ये वेट अ मिनट, इसके लिए मुझे इको करना पड़ेगा, इको के अंदर लिस्ट के अंदर मैं इसे डाल सकता हूँ, अदरवाइज ये इसे नहीं कर रहा। मैं इसे करता हूँ रीलोड, अभी हमारे पास ये लाइन नंबर 29 के ऊपर चला गया। 29 के ऊपर भी वही मसला, इको ऑप्शन लिस्ट ये इसको मैंने सेव कंट्रोल डी डी कर दिया था। हाँ, आपको वेबसाइट पर रीलोड करता हूँ, और ये ऑपरेटर्स के अंदर आ गया CL1, ठीक है, मतलब उसको उसने असाइनमेंट वैल्यू ये कर दी थी। और अब अगर मैं इधर एक और चीज़ में लिखूँ, फॉर एग्जाम्पल, मतलब के चलो ये तो हो गया आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अगर मैं इधर एक और चीज़ करूँ, 6 है प्लस 2, और मतलब के सी की वैल्यू क्या हो, ए के अंदर प्लस 2 कर दे, ठीक है। अब मैं इसे अपनी वेबसाइट के ऊपर जाकर चेक करता हूँ, और अगर ए की हमारी वैल्यू है 1, ठीक है, और 1 प्लस 2 करें तो सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, डेट्स गेट ये उसने असाइनमेंट उसकी अपडेट कर दी, ठीक है। तो अब अगर हम इधर मतलब के तो ये था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो उसके बाद मैं अब असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद कंपैरिजन ऑपरेटर करूँगा। कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर बेसिकली हम देखेंगे कि किस तरह हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं एक चीज़ का दूसरी की चीज़ के साथ। तो अब मैं इधर करूँगा इको इको फॉर एग्जांपल लाइक स्ट्रिंग आर्गुमेंट और स्ट्रिंग आर्गुमेंट दे रहे, ठीक है। तो मैं अपना पहली स्ट्रिंग देता हूँ ए इक्वल टू कंपैरिजन कर रहा हूँ ना, तो इधर मैं बी लिख देता हूँ, ठीक है, तो वो मुझे इको कर देगा, ठीक है। तो मैं इसका रिजल्ट चेक करता हूँ, तो उसके लिए मैं अपनी वेबसाइट पर जाऊँगा, रीलोड कंपैरिजन ऑपरेटर, उसके अंदर उसने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि ये इस तरह बराबर ही नहीं है, अगर बराबर होते तो ये मुझे आंसर देता। किया तो मैं इसे रीलोड करता हूँ, और अब मुझे इसने आंसर दे दिया 1, क्योंकि मैंने उसकी वैल्यू 1 की, ठीक है। और अगर मैं इसे मतलब के 2 ही रखता हूँ, और इसे सेव करता हूँ और जाता हूँ, अगर इस अब इसके साथ मैं अब इधर यूज करता हूँ वेर वेडम्प वेडम्प, इसके लिए अब मुझे इसकी जो वैल्यूज होती है वो एग्जैक्ट बताएगा, मतलब के इसके डेटा भी बताएगा, और ये क्यों ट्रू है या फॉल्स है उसके बारे में बताएगा, और ये बुलियन है और फॉल्स होगा क्योंकि वैल्यूज मेरी सेव नहीं है। और साथ ही अगर मैं इधर ही आपको दिखाऊं, हमारा जो था मकसद एक बार आता है हमारे पास, ये देखो अगर मैं इधर देखूं लॉजिकल ऑपरेटर यूज करूं, तो ये हमारे पास अब वैल्यूज हमें क्या देगा, तो इसके लिए ये वैल्यू मैं करता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इधर मैं देखता हूँ लॉजिकल ये होगा सेव, और अब मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके देखता हूँ रीलोड। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर उसने मुझे फॉल्स वैल्यू दे दिया, क्योंकि मैंने क्या इधर लिखा होता ए ग्रेटर देन बी के, और ए की वैल्यू 1 है और 2 है, तो उसने मुझे फॉल्स का रिजल्ट दे दिया, ठीक है। ये हमारे आज के वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स मतलब क्या, हमने ऑपरेटर्स को देखा है किस तरह काम करते हैं PHP के अंदर।